तवज्जो फरमाए, वालिदा सुल्तान आ रही हैं। बाकी सरदारान कहाँ हैं वालिदा सुल्तान? वो बहुत दूर से आ रहे हैं और एक बड़े काफिले की सूरत आ रहे हैं। मुलाकात करने के लिए उन्होंने यहाँ आने का इरादा किया। उस्मान साहब, खुश आमदीद। जानदार कबीले का सरदार जिसने शुमाल में अपना नाम बनाया, मिक्तानी इलाके और उसके माहौल के हाकिम शमशुद्दीन यमान जानदार साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
खुश आमदेद जानदार साहब। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत से तहफ हैं वालदा सुल्तान। शुमाल से जनूब और खुशकी से समंदर तक दुनिया के चारों कोनों में ये हमारी फसलें हैं जिनकी हम तिजारत करते हैं, और इनमें सबसे बेहतरीन मसाले जिससे तैयार करदा खाना हमारे महल में भी नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। मगरिब का वो हुक्मरान जिसने बाज़ंतीनियों को हराया, कुफारों के कातिल जनाब कारासी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कारासी साहब। खुशामदीद वालिदा सुल्तान, आपने हमें दावत दी तो हम सर के बल चले आए। वो तलवार है जिसे मेरे वालिद कलीम शाह ने बिगा के फतेह में कुफार के खून से इस तलवार को रंगी थी। ये मेरा दामाद ओसलू सरदार है और वालिदा सुल्तान ये मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। सलामत रहें करासी साहब। एंग्रो से कटाहिया तक के इलाकों का हाकिम, मजबूत तरीन कबीलों और मजबूत लश्करों का मालिक गर्मियान के मुहाफिज याकूब साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? क्या आप हाथ में तलवार लेकर हमारा इस्तकबाल करेंगी वालदा सुल्तान? खुशामदीद याकूब साहब। हमने आपका बहुत सुना है उस्मान सरदार, तो आज एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है याकूब सरदार। नहीं, इसका अभी वक्त नहीं। अच्छा होगा अगर हम अपनी अपनी जगह पर रहें। पहले कुस्तंतुनिया में आपके बारे में सुना और कोनिया में भी, जो भटकता है मसाइब में रहता है। हर कोई जानता है कि हम हिजरत में ही पले हैं, रुकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आने वाली हम हर आफत कदम घुटना चाहेंगे ताकि हमारा वतन मुतासर ना हो कभी। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीने और शहर देता हूं उन सबको। अगर आप खाना बदोश हैं तो आप खाना बदोश हैं। दूसरों के ख्वाब आपकी आंखें क्यों देख रही हैं? जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। हर कोई अपने अपने तहाइफ लेकर आए हैं याकूब सरदार, क्या आपका हाथ खाली है?
मेरा तोहफा आपकी सोच से बढ़कर है। आपका तोहफा सऊद से बाहर है, 300 घोड़े एक से बढ़कर एक, वालिदा सुल्तान। सलामत रहें याकूब साहब। आप लोग तशरीफ रखिए। उस्मान साहब बैठ जाइए। हमारे सरदारान के यहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे? वालिदा सुल्तान, हर कोई अपने मकाम पर खड़ा है। उस्मान साहब, हम जैसे वक्त के अजीम बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका दिया जा रहा है। वालिदा सुल्तान को दुआ दीजिए इसके लिए। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। जानदार साहब, हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं, तो हमें इस तरह से उलझाइए। मेरे सरदारान, आप सब मेरे पीछे तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। अब कुछ बदहालियों पर नजर डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि वालिदा सुल्तान अपनी बात का आगाज करें। सूरत हाल आपके ख्याल से बदतर है। कमांडर नायमान की तरफ से खबर आई है, उसके कमांडर समागर का सर कलम करने से उसे बहुत गुस्सा आया है। वो महसूल बढ़ाने का कह रहा है और समागर के सर के बदले हमसे दियत चाहता है। वालिदा सुल्तान, हम उस मसले को सुनना चाहेंगे जिससे हमारा ताल्लुक है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है वही इसकी दियत अदा करेगा। समागर को किसने मारा? कारासी साहब, यही समझे कि मैंने मारा है। आप मुड़कर उस्मान साहब की तरफ मत देखें। दुश्मनों को मारना हमारे लिए कब से गुनाह बन गया? मैंने आप सबको यहां इत्तेहाद के लिए बुलाया है। वालिदा सुल्तान, आपके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया? ये कैसा सवाल है याकूब साहब? क्या ये सोच सलजूक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की तो नहीं? ऐसे सरदार से इत्तेहाद जो सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ है और जिसने मसूद को अगवा किया, हम माफी नहीं देंगे। आप कैसे दे सकती हैं? आजिज हसद करते हैं और कमजोर गुस्सा होते हैं, जबकि मजबूत माफ कर देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान साहब को माफ कर दिया है। अगर हम इन्हें माफ करके इत्तेहाद चाहते हैं तो आप भी इन्हें माफ करेंगे याकूब साहब? कुफार के जंग ने
मेरे सिपाहियों को थका दिया, लेकिन उसने बहुत गनीमत भी हासिल किया। मैं महसूल अदा करने और खून की रकम कबूल करने का मशवरा देता हूं जिसका मुतालबा किया जा रहा है। और ये सिर्फ आपके खातिर है वालिदा सुल्तान, वरना ना उस्मान सरदार ना ही ये जमीनें वो जगह है जिनके लिए मैं 5 सिक्के भी कुर्बान कर सकूं, समझे? तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए। जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उस्मान साहब, थोड़ा पुरसुकून हो जाइए। कोई भी अपनी आजादी खोने का इरादा नहीं रखता। दियत से दियत, जंग से जंग, हम यहां इत्तेहाद और हल की तलाश के लिए हैं। लेकिन इसका हल दियत नहीं है वालिदा सुल्तान। उन जमीनों को फतह किया मैंने, सिक्कों से नहीं खून से। समागर के सर के लिए दियत तो क्या, अपने कबीले का कुत्ता भी नहीं दूंगा मैं, और यही है जो मेरा आखिरी फैसला है। इंद्रोनिकोस, कांता कोजेनोस की अंगूठी आपसे ज्यादा तेजी से आई है ओलोफ। मैं सिर्फ ईसा उल मसीह की खिदमत में हूं शहंशाह, और अगर हमारी राहें एक हो जाएं, तो हम कांता कोजेनोस का वही अंजाम हुआ जिसका वो हकदार था। अगर मुझे आपकी बात पे यकीन ना होता तो आपको उसके साथ ही दफन कर देता, और अब मैं उस चीज को खराज तहसीन पेश करूंगा जो उसने किया है। आपकी गर्दन पर सलेब देखा, सुना है कि तुम ईसाई हो गए हो, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। आपने जो सुना है वो दुरुस्त है जनाब, मैंने ईसा उल मसीह का मजहब चुन लिया है। मैं सिर्फ एक मकसद के लिए खून बहा रहा हूं, और वो मकसद ये है कि जब तक हम तमाम मुसलमानों को यहां से बेदखल नहीं कर देते। मार्कोस, मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। हमारे पास ताकत कहां है उस्मान साहब, जो हम किसी से लड़ सकें? जो पहाड़ों की तरह भी हमारे सामने आए, वहीं के वहीं उन्हें हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। इन्हें भी आने दीजिए, अगर वो यहां आएंगे तो वैसे ही जाएंगे जैसे उनसे पहले यहां से गए थे। उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है। तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ लड़ोगे? उस ताकत के साथ जिससे गेहातू को बांधारों से अपनी सरजमीन से भगाया, उस ताकत के साथ। ऐसे दुश्मन जो अपने ही नाम से खौफजदा होते थे, उन्हें जमीनों में दफन करने वाला मैं हूं। जब मैं मंगोलों से और बाजंतीनियों से लड़ रहा था, तो बताइए जरा उस वक्त कहां थे आप लोग, और अब
ये वालिदा सुल्तान का हुक्म नहीं है। सरजमीनों के बारे में कोई फैसला न करें। जिसने भी मेरी जमीन पर नजर डाली उसे उसी जमीन में दफन कर दिया जाएगा। उस्मान साहब, बहुत हुआ। ये अब हम सबका मसला है। दुश्मन पर अपना गुस्सा निकालिए। निकालेंगे वालदा सुल्तान, निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन उस्मान साहब बजाय इसके कि हमसे मुआहदा करने की कोशिश करें, ये हमसे मुखालिफत कर रहे हैं। जानदार सरदार, जमीन की हिफाजत एक जदोजहद है। अगर मैं कहूं कि मुझे राजी करें और मेरे सामने झुक जाएं, इससे पहले अपने जमीर पर हाथ रखेंगे, वरना हम कहेंगे कि आपको मजलूमों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तुर्कुत सरदार कहा जाता है ना आपको, उस्मान सरदार का साया। हम तो खैर का साया हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप खुद ही बुरे हो गए हैं। वालदा सुल्तान हजरत, माफी चाहता हूं, हम यहां तौहीन सुनने नहीं आए थे। मसला संजीदा है, संजीदा है, लेकिन मैं इन सरदारों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा। जानदार साहब, जब तक मैं ना कहूं कि दीवान खत्म हो चुका है, एक भी कदम उठाने की जरूरत ना कीजिएगा। अब आप बैठ सकते हैं। कासिद हमारे फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर लड़ना है तो जंग में जाने का फैसला, अगर महसूल में इजाफा होने दें तो खून की दियत अदा करेंगे। फैसला हमें यही करना है। इसी वक्त मंगोलों का कासिद आया है वालिदा सुल्तान। आने दो। कमांडर नायमान चाहते हैं कि समागर की खून की रकम तुम अदा करोगे और तुम्हारी नाफरमानी की वजह से 3 गुना महसूल बढ़ाने का हुक्म दिया है, और वो उस्मान का सर भी चाहता है। आपने मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है उलूफ, और आप ही उस लश्कर की क़यादत करेंगे। आपको सलीब की खिदमत करनी होगी, भले आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक ईसा उल मसीह की खिदमत करता रहूंगा। मैं इस लश्कर से उन लोगों के खून की नदियां बहा दूंगा जो ईसा उल मसीह के नूर को बुझाना चाहते हैं जनाब, और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा जनाब। इस बयान ने उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया, और अब वो सब मंगोलों के खतरे का सामना करने के लिए एक साथ जमा हो गए हैं। और आप इस मियान के साथ होंगे, और आपके इस काम का किसी को इल्म ना हो, ताकि वो अपने शहर में ईसा की फौज की मौजूदगी से हैरान हो जाएं, और इस तरह उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। ओलोफ, अब हम मजीद दीवारों के पीछे रहकर दुश्मनों का इंतजार नहीं करेंगे,
बल्कि उन्हें मैदान में मार डालेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो अलोफ। सुना नहीं मैंने, फिर से दोहराओ जरा। मैं जानता था कि तुम अहमक तो हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि पहरे भी हो। नायमान समागर की खून की दीद और तुम्हारी नाफरमानी के लिए महसूल चाहता है। अब तुम अपना सर ही दे सकते हो। अगर उसे सर दे दूं मैं तो क्या वो पीछा छोड़ देगा हमारा? नहीं, वो फिर भी महसूल लेगा। और हां, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी जमीनों को जहन्नुम बना देगा। बहरहाल उसे तुम्हारा सर चाहिए। तो मेरा सर चाहिए उसे? ठीक है, वो सर चाहता है। अपना सर भी तुम्हें नहीं दूंगा मैं, और ना ही कोई महसूल अदा किया जाएगा। सिर्फ एक चीज है अभी जो मिल सकती है। और वो तुम्हारी मां है।